अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हमने दो उसके रिएक्शंस पढ़े थे। पहला हमने किया था जी सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये प्रूव किया था जी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो आज हमने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है। थर्ड प्रॉपर्टी है जी हमारे पास जो इसकी जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मेटल्स को भी लाइक कॉपर और नॉन मेटल्स को भी लाइक कार्बन और सल्फर, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं कि ये किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। इनकी ऑक्सीडेशन के बाद कॉपर को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर का सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो अब जब सल्फेट इसके साथ चला गया तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, जो कॉपर का है यहाँ पे वो सल्फेट बन जाएगा, साथ में आपके पास वाटर रह जाएगा और SO2 में सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन खुद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस एक रिएक्शन आपको समझा देती हूँ। देखो कॉपर के पास ऑक्सीडेशन स्टेट है इस वक्त 0, ठीक है, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसने बनाया है कॉपर का सल्फेट। यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +2 में है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 पे गया है। तो कॉपर जो है वो खुद क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो यहाँ पे आपके पास +6 और ये +4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +4 पे चला जाता है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये एक्ट करता है, दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कार्बन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन का डाइऑक्साइड बना देगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, और खुद रिड्यूस होगा तब भी सल्फर डाइऑक्साइड, तो मैं इसको लिख दूंगी 2SO2। जैसे कार्बन को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और खुद रिड्यूस हो गया SO2 में और वाटर सेपरेट आ जाएगा। सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, खुद रिड्यूस होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो दो अलग सल्फर डाइऑक्साइड लिखने से बेहतर है मैं 2O2 लिख दूँ, तो साथ में वाटर बनेगा, वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, वाटर सब में आना है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है जी इसकी प्रॉपर्टी, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड वो एक सल्फोनेटिंग एजेंट भी होता है, सल्फोनेटिंग एजेंट। तो सल्फोनेशन से आपको याद तो आ गया होगा, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फोनेशन की थी बेंजीन की, तो बेंजीन की जब सल्फोनेशन की थी वहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया था, तो इसका मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक सल्फोनेटिंग एजेंट भी होता है। इसमें क्या सल्फोनेटिंग एजेंट भी होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स यूज़ करते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है जी ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर SO3 ऐड करवाया गया हो, उसे हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम बेंजीन लेते हैं और उसकी सल्फोनेशन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनता है जी, मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देती हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाता है बेंजीन के अंदर, तो ये क्या हो जाती है, सॉरी ये बेंजीन की सल्फोनेशन हो जाती है, ठीक है। तो बेंजीन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, इसके अलावा सल्फोनेटिंग एजेंट भी है और डाइप्रोटिक एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है। लास्ट हमारे पास रह गया जी सल्फ्यूरिक एसिड का कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये रिएक्ट करता है PCl5 के साथ, रिएक्शन विद
PCl5 फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को अज्यूम किया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो H2SO4 का जो फार्मूला है ना, H2SO4, ये एक्चुअली जो फार्मूला होता है ना वो ऐसा होता है, SO2OH2। इसको इस तरह से अज्यूम किया जाता है कि इसके अंदर दो हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं। तो जो PCl5 होता है ना, ये दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप को क्लोरीन से रिप्लेस कर सकता है। देखो H2 एक एस, चार ऑक्सीजन, दो ये और दो ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर, जो फार्मूला, वो इस तरह से ज्यूम किया जाता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये PCl5 से रिएक्ट करता है, तो ये फास्फोरस का जो पेंटाक्लोराइड है, ये इस हाइड्रोक्सल को रिप्लेस कर देता है क्लोरीन के साथ। देखते हैं किस तरह से, इसको मैं रेस करती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हमने लिया, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया PCl5 से। तो PCl5 क्या करेगा, इसका अगर मैं एक SO2 एक OH हटाऊँ, दो है, एक हटा दिया, तो उसकी जगह आ गया Cl, और साथ में आपके पास बन जाएगा जी POCl3। ये आपके पास साथ में बन जाएगा और HCl लिब्रेट होगा। अल्कोहल्स सेकेंड ईयर में आपने अल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, थायनाइल क्लोराइड भी बनाया हुआ है। अभी मैंने एक Cl रिप्लेस किया है, अगर मैं एक्सेस क्वांटिटी में ले लूँ PCl5 को, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, जहाँ पे पहले एक OH रिप्लेस हुआ था, अब ये दोनों OH रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी साइड प्रोडक्ट वही बनेंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा जी थायनाइल क्लोराइड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहले हमने पढ़ना था सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस। तो वो हमने पांच तरह के इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है जी हमारे पास, इसको पहले रेज कर लें, नेक्स्ट है हमारे पास थायोनिक एसिड। इसका हम सिर्फ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि थायोनिक एसिड क्या होते हैं। थायोनिक एसिड होते हैं जी हमारे पास ऐसे एसिड जिसके अंदर दो सल्फोनिक ग्रुप हों, उसे हम कहते हैं थायोनिक एसिड, ठीक है। तो थायोनिक एसिड का जो जनरल फार्मूला वो होता है H2SNO6। मतलब H और O फिक्स है, और सल्फर आपके आप वेरी कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे N की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 और 6। ये 2 से 6 तक वेरी करती है सल्फर की यहाँ पे कि नंबर ऑफ सल्फर एटम यहाँ पे कितने हो सकते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 और 6। तो सल्फर एटम के नंबर को अगर हम वेरी करें, तो हमारे पास देखो, अगर मैं N की जगह 2 लगा दूं तो ये बन जाएगा, N की जगह पे मैं अगर 3 लगा दूं तो ये एसिड बन जाएगा, N की जगह पे 4 लगा देते हैं, ठीक है, N की जगह पे 5, और अब मेरे पास 6 की जगह नहीं है। चलो यहाँ तक कर लेते हैं। इनकी जो नेमिंग होती है ना, वो इसी बेस पे होती है कि नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने प्रेजेंट हैं। इसमें सल्फर 2 है तो इसे हम कहेंगे डाई थायोनिक एसिड, इसमें सल्फर 3 है तो ट्राई थायोनिक एसिड, इसमें सल्फर 4 है तो टेट्रा थायोनिक एसिड, इसमें सल्फर 5 है तो ये पेंटा थायोनिक एसिड हो जाएगा, और जब 6 हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे हेक्सा थायोनिक एसिड, ठीक हो गया। तो थायोनिक एसिड का सिर्फ हमने तो इतना सा इंट्रोडक्शन ही करना है, आगे से इनकी डिटेल देख लीजिएगा। अगर जैसे डाइथायोनिक एसिड है, उसका अलग से है प्रिपरेशन मेथड, उसके रिएक्शंस, फिर इसी तरह इसके प्रिपरेशन और रिएक्शन, इसी तरह इन सब के प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस है। जो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है, लेकिन सिर्फ थायोनिक एसिड का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि ये क्या होते हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जी सल्फर के ऑक्साइड का इन्वायरमेंटल रोल ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड। जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो SO2 और SO3 हैं, और ऑक्सी एसिड
सल्फर के दो हैं, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इनका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में किस हद तक हाथ है जी, अब हम वो कहानी पढ़ते हैं। हमने कार्बन के ऑक्साइड्स का भी देखा हुआ है इन्वायरमेंटल रोल क्या था, तो अब हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर का जो ऑक्साइड है वो है SO2, ठीक है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, इसकी खसूसियात चेक करें ज़रा। हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल पोल्यूटेंट है ये, हार्मफुल पोल्यूटेंट है। दूसरा, ये कलरलेस होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है, कलरलेस होता है। इसके अलावा ये क्रोसिव गैस होती है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ इसके बारे में, क्रोसिव होती है, ठीक है। इरिटेटिंग ऑर्डर होता है इसका, इरिटेटिंग ऑर्डर। इसके अलावा ये सारी इसकी खसूसियात है, तो इन खसूसियात की वजह से ये जो SO2 सल्फर का जो ऑक्साइड होता है ये क्या क्या कर सकता है। इट पॉजिज कफिंग, उसके अलावा नोज, थ्रोट, सॉरी नोज थ्रोट और लंग्स की इरिटेशन, ठीक है, इनको इनकी इरिटेशन का भी कॉज करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत कम अमाउंट में भी सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल कर लिया है तो उसकी वजह से नोज में इरिटेशन, थ्रोट में, लंग्स में, इसके अलावा कफिंग भी हो सकती है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो है वो एयर पोल्यूटेंट होता है और ये गैस होती है, हमें पता है SO2 गैस होती है, ठीक है। अब हमने इसके कौन कौन से जो है ना वो पढ़े हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का एटमोसफेयर में होना कितनी को अच्छी बात है वो भी हमने पढ़ी हुई है। एटमोसफेयर के अंदर, एक सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, सल्फर एटमोसफेयर से जो इसमें सॉरी एटमोसफेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। जो सन से रेडिएशंस आती हैं ये उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और इस रेंज में एब्जॉर्ब करता है 300 to 400 नैनोमीटर्स, इस रेंज में ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक जो है ना स्टेट्स वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जब ये इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जब ये एक्साइटेड हो जाता है तो एक्साइटेड होने के बाद ये क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल या जो दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं एयर में मौजूद होते हैं, दूसरे कंपाउंड, ये उनके साथ रिएक्ट करके ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है इस रेंज में और एक्साइटेड होने के बाद ये डस्ट पार्टिकल से या दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और सल्फर का ट्राईऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है ये सल्फर का जो ट्राईऑक्साइड है जब ये वाटर वेपर से रिएक्ट करता है तो ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड, और यही सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के पानी के साथ नीचे आता है तो हम उसे बोलते हैं एसिड रेन। और इस एसिड रेन के कितने कारनामे हैं जी, हमने पढ़े हुए हैं एसिड रेन क्या करता है कि जब ये बिल्डिंग्स के ऊपर पड़ता है, एसिड रेन जब बिल्डिंग्स पे, खास करके वो बिल्डिंग जिनके ऊपर मार्बल या लाइमस्टोन होता है, क्योंकि इनका जो मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उन बिल्डिंग्स की जो सरफेस होती है उसको ख़राब कर देता है, ठीक है। तो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, एक्साइटेड होने के बाद ये फर्दर रिएक्ट करता है डस्ट पार्टिकल से या दूसरे कंपाउंड्स के साथ और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है SO3 में, ट्राईऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जब फिर ये वाटर वेपर से रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के पानी के साथ नीचे आता है
तो वो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। और वो एसिड रेन जब बिल्डिंग्स में पड़ती है, खासकर जहाँ पे मार्बल या लाइमस्टोन होता है, तो ये उन बिल्डिंग्स को ख़राब करती है। ताजमहल भी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो एसिड रेन की वजह से क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। ठीक हो गया। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में इसकी इतनी कंसनट्रेशन आती कहाँ से है? तो अगर हम बात करें जो ग्लोबली, अगर हम ग्लोबली देखा जाए तो जो 67% SO2 होती है ना, 67% ग्लोबल SO2 जो है, ये किसकी वजह से होती है? ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी वजह से, नेचुरल सोर्सेज उनकी वजह से 67% ग्लोबली जो SO2 की पोल्यूशन है ना, वो मेजर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से होती है। और जो रिमेनिंग 33% रहती है वो किसकी वजह से होती है? उसमें रही सही कसर हम लोग खुद पूरी कर देते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अब हमारी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से SO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है? वो होता है जी कम्बशन ऑफ कोल, ऑयल, या फिर ऐसी ओर्स जिनके अंदर सल्फर हो, तो सल्फाइड ओर्स की बर्निंग की वजह से। ठीक है। तो ग्लोबली सल्फर डाइऑक्साइड जो है 67% वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और नेचुरल सोर्सेज की वजह से है, और 33% में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ है? कम्बशन ऑफ कोल, ऑयल और सल्फाइड ओर। ठीक हो गया जी। इसको पहले रेज कर लें, इसको रेज कर लें। उसके बाद ये जो सल्फर का, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसमें हमने देख लिया जी कि ये बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। अब ये जो एसिड रेन नीचे आती है, MCQ के लिए इसको भी याद रखिएगा, जो एसिड रेन जो हम देखते हैं, उस एसिड रेन के अंदर कौन कौन सा एसिड कितने परसेंट मौजूद होता है? उसमें जी हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 62% होता है H2SO4, और HNO3 उसके अंदर होता है जी 32%, और 6% हमारे पास उसमें होता है HCl। एसिड रेन के अंदर ये एसिड्स की इतनी इतनी जो है ना क्वांटिटी मौजूद होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ जी एसिड रेन किस किस के लिए हार्मफुल होती है। एसिड रेन प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है, एक्वेटिक लाइफ उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसके अलावा बिल्डिंग्स के लिए, मोनूमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स उनके लिए ये हार्मफुल होती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि बहुत जल्दी एसिड रेन की वजह से अटैक कर देता है। तो एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी इसके ऊपर क्या होता है, अटैक होता है। तो ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया जी। और अब इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक जो हम लोगों ने करना है, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो है जी हमारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जी हमारे पास, यूज ऑफ हाइपो इन फोटोग्राफी। अच्छा जी, अब ये जो हाइपो है ये क्या होता है, और फोटोग्राफी में इसको कैसे यूज़ किया जाता है? जो हाइपो कहते हैं जी, सोडियम का जो थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट Na2SO2O3, सोडियम थायोसल्फेट, इसका आपने पेंटाहाइड्रेटेड साल्ट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इसको हम कहते हैं जी हाइपो। ठीक है, साल्ट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इसको हम कहते हैं हाइपो, और इसको हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, और एज अ फिक्सर। हाइपो क्या होता है? हाइपो मैंने आपको बता दिया, पेंटाहाइड्रेटेड साल्ट होता है सोडियम थायो सल्फेट का, और इसका पर्पस क्या होता है, इसको हम एज अ फिक्सर यूज़ करते हैं। कहाँ पे? फोटोग्राफी में इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं वो उसको मैं ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो क्या होती है, वो सस्पेंशन होती है। किसकी?
जो सिल्वर ब्रोमाइड इसकी होती हैं माइक्रो क्रिस्टल्स होती हैं, माइक्रो क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जिलेटिन में डालते हैं और ये एक बन जाती है जी सस्पेंशन बन जाती है, इसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है? फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ माइक्रो क्रिस्टल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन, ये होती है सॉरी फोटोग्राफिक फिल्म। जब फिल्म के ऊपर जब फिल्म पे लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, अब हम इसका ये देखने लगे कि फोटोग्राफिक फिल्म के इसका प्रोसीजर क्या होता है, वो आप माइंड में रखिएगा जो पहले बता दिया कि हाइपो क्या होता है और उसे एज अ फिक्सर यूज़ करते हैं। अब एक्सप्लेन करूँगी और एंड में बताऊँगी कि इसको फिक्सर के तौर पर हमने कहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। अब फोटोग्राफिक फिल्म की हम पहले बात कर रहे हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, वो एक सस्पेंशन होती है किसकी, माइक्रो क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन, ये एक सस्पेंशन होती है। जब फिल्म के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, ये सिल्वर ब्रोमाइड के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं KGBR, ये होते हैं लाइट पड़ने पे ये एक्साइटेड हो जाते हैं। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। मैं इसके ऊपर स्टार लगाने लगी हूँ, स्टार का मतलब है ये एक्साइटेड हो गए हैं, ठीक है। जब फिल्म के ऊपर लाइट पड़ी तो सिल्वर ब्रोमाइड एक्टिवेट हो गया, और जितनी लाइट पड़ेगी लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होता है कि हम इस फिल्म को जब डेवलपर के अंदर डालते हैं, जब हम इसको डालते हैं डेवलपर के अंदर, तो उस डेवलपर के अंदर एक होता है जी रिड्यूसिंग एजेंट, उसके अंदर क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट या तो आपके दो होते हैं, या तो आप यूज़ कर सकते हो हाइड्रोक्विनोन या फिर आप यूज़ कर सकते हो पैरामाइनोफिनोल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या तो आप यूज़ कर सकते हो हाइड्रोक्विनोन या फिर आप यूज़ कर सकते हो पैरामाइनोफिनोल। ये दो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो डेवलपर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। हम यहाँ पे करने लगे हैं जी हाइड्रोक्विनोन, हम ये लेने लगे हैं। पहले क्या हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड के जो क्रिस्टल्स थे वो एक्टिवेट हो गए हैं। अब इन एक्टिवेटेड को जब हमने डेवलपर के अंदर डाला तो डेवलपर के अंदर था एक रिड्यूसिंग एजेंट, उसने क्या किया, उस रिड्यूसिंग एजेंट ने इस एक्टिवेटेड को रिड्यूस कर दिया। बात समझ आ रही है, सिल्वर ब्रोमाइड एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होने के बाद जब मैंने इसको डेवलपर में डाला, डेवलपर में कौन था, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का मैं फॉर्मूला लिखती हूँ हाइड्रोक्विनोन का, ये रहा डेवलपर के अंदर ये मौजूद था, उसके अंदर मैंने ये इसको जब डाला और एब्जॉर्ब हो गया एक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये क्या कर देगा, ये हाइड्रोक्विनोन इसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूस कर देगा सिल्वर में, ठीक है। और खुद इसमें खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने सिल्वर ब्रोमाइड को रिड्यूस कर दिया, अब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर ये बना देगा क्विनोन। हाइड्रोक्विनोन था, ऑक्सीडाइज होकर क्विनोन में चेंज हो गया और इसने सिल्वर ब्रोमाइड को रिड्यूस कर दिया सिल्वर में। यहाँ तक समझ आ गई, मैं इन दोनों रिएक्शन को लिखती हूँ। देखो क्विनोन था, मैं इन दोनों, ये पूरा रिएक्शन है जिसको मैं बोल रही हूँ कि ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ है, मैं इस रिएक्शन को सेपरेट करके लिख के दिखाती हूँ आपको। फिर से कहानी रिपीट करती हूँ, हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म थी, वो क्या होती है, एक सस्पेंशन होती है किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड की जिलेटिन के अंदर। अब जब हमने इसको लाइट इस पे पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जब एक्साइटेड हो जाता है, उस एक्साइटेड को जब हम उसमें डेवलपर में डालते हैं तो डेवलपर में था एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसने सिल्वर ब्रोमाइड को रिड्यूस कर दिया। तो अब वहाँ पर दो रिएक्शन हुए हैं, एक हुई है ऑक्सीडेशन और एक हुई है रिडक्शन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है, जाहिर सी बात है जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को तो रिड्यूस कर रहा है और खुद की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई है जी किसकी, हाइड्रोक्विनोन की। तो हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, हाइड्रोक्विनोन की ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और ये ऑक्सीडाइज होके किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया जी हमारे पास क्विनोन में, हाइड्रोक्विनाइन ऑक्सीडाइज होके
क्विनॉन में चेंज हो गया, साथ में हमारे पास यहाँ से दो प्रोटॉन निकल आए, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल आए, ठीक हो गया, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुई, ये दो इलेक्ट्रॉन निकले, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को किसने गेन कर लिया? सिल्वर के आयंस ने, सिल्वर के आयंस ने इनको गेन कर लिया और ये रिड्यूस हो गया किसमें? सिल्वर में। ये सिल्वर के आयन थे, सिल्वर के आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस हो गया। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो एरो के इस साइड पे दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा? नेट रिएक्शन हमारे पास आ गया, इस एरो के इस साइड पे ये दो बचे, 2Ag पॉजिटिव प्लस C6H5OH ट्वाइस, और एरो के इस साइड पे हमारे पास क्या बचा? 2Ag प्लस C6H4O2 प्लस 2 प्रोटॉन्स। ये ले जी, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है जो डेवलपर के अंदर हुआ। डेवलपर के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट था जिसने सिल्वर ब्रोमाइड को रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ तक समझ आ गई? अब हमारा प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हमने क्या किया, हमने एक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड था उसको डेवलपर में डाला और वो रिड्यूस हो गया, हमारे पास सिल्वर फिल्म बन गई, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने हमारे पास वहाँ पे वो थे सिल्वर ब्रोमाइड के ग्रैन्यूल्स जो थे, ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे ही एक्टिवेट हुए हों। अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी काफ़ी सारे ग्रैन्यूल्स ऐसे भी तो होंगे जो वहाँ पे अभी एक्टिवेट ही नहीं हुए और वो अनएक्टिवेट ही रहे हों, ठीक है। अब हमारा पर्पज़ तो यहाँ पर काम ख़त्म हो रहा था, अब मसला वहाँ पे आता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ अनएक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड रह गए हैं तो क्या होगा? अगर ये अनएक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड वहाँ पे मौजूद है तो वो भी क्या करेंगे, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करके ये रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस होके ये ब्लैक कलर का एक जो सारी फिल्मों से ब्लैक में चेंज कर देंगे, ब्लैक इमेज में चेंज कर देंगे, तो हमारा वहाँ पे सारी फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिक्सर को, ठीक है। और फिक्सर क्या है हमारा, वो था हमारा हाइपो, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया जी हमारा हाइपो। अब हम क्या करते हैं, इसको जो अनएक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड है उसको हम ट्रीट करवा देते हैं हाइपो से, ठीक है। मैं उसका नेगेटिव आयन लिख रही हूँ। हमने जब हाइपो से रिएक्ट करवाया तो जितना भी यहाँ पे ब्रोमाइड के आयन्स हैं, हाइपो तमाम ब्रोमाइड को वहाँ से वॉश आउट कर देगा, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा और जितने भी ब्रोमाइड के आयन है वो यहाँ से वॉश आउट कर जाएंगे, ठीक हो गया। तो फोटोग्राफिक फिल्म में हाइपो का शुरू तक तो कोई काम नहीं था। हमने हाइपो को कहाँ पे यूज़ किया, हमने हाइपो को तब यूज़ किया कि जब हमारे पास अनएक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड रह जाएगा, तो अगर हमने उसको वहाँ से ना निकाला तो क्या होगा कि वो रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करके सारी फिल्म ब्लैक कर देंगे, तो वो सारा काम ख़राब हो जाता है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपो को यूज़ करते हैं। हाइपो तमाम जितने भी वहाँ पे अनएक्टिवेटेड सिल्वर ब्रोमाइड थे उसको वॉश आउट करके सारे ब्रोमाइड आयंस वहाँ से निकाल देता है। तो ये है जी हमारा हाइपो का यूज़ इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी में, और ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से याद करिएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर वाइंड अप हो गया, इंशाल्लाह अब हमने लास्ट में स्टार्ट करना है हैलोजेंस और नोबल गैसेस, उसके अंदर भी हमने सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं। दो लेक्चर्स हमारे पास रह गए हैं, दो टॉपिक्स हैं, तो इंशाल्लाह दोनों को एक एक में, जो उनमें से सारा तो नहीं, जो एक चैप्टर को जिसका हैलोजेंस का और एक हमारे पास नोबल गैसेस का, तो दोनों चैप्टर्स को एक एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।